नमस्कार, मैं जीरोसिस लाइफ साइंसेस फार्मा दवाघर से डॉक्टर उपेंद्रनाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगा जेल ब्रिमोनिडिन 0.33% के बारे में। ये क्रीम, ये जेल किस काम आता है और इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है और इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, इसके ड्रग इंटरेक्शन क्या हैं। तो मतलब आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण क्रीम जेल के बारे में बताने चल रहा हूँ कि इसका यूज कहाँ होता है और किस काम ये क्रीम आती है। तो इस क्रीम और जेल का नाम होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है इस क्रीम जेल में, उसमें होता है ब्रिमोनिडिन 0.33%। तो ब्रिमोनिडिन के बारे में आपको बताऊं कि ब्रिमोनिडिन जेल एक सिंपैथोमिमेटिक ड्रग है, जो चेहरे पर बड़ी हो गई रक्त को वाहिकाओं को संतुलित करके काम करती है। मतलब ये जेल जो चेहरे पर बड़ी हो गई रक्त वाहिकाओं को संतुलित करके काम करती है। और ब्रिमोनिडिन जेल रोजेसिया का मतलब होता है जो चेहरा लाल हो जाता है पूरा, उसको चेहरे का पूरा लालपन को रोजेसिया कहा जाता है। तो ब्रिमोनिडिन जेल का यूज जो होता है रोजेसिया के कारण होने वाले अतिरिक्त रक्त प्रवाह और चेहरे के लालपन को कम करता है। मतलब इस क्रीम का कार्य आपको समझ में आया होगा कि ये क्रीम कहाँ यूज होती है। तो ब्रिमोनिडिन जेल एक टॉपिकल जेल है जो कि बाहरी अंगों के यूज में काम आता है। मतलब इसको इंटरनल नहीं लिया जाता, आंख के अंदर नहीं लगा सकते, इसको नाक के अंदर नहीं कर सकते, मुंह के अंदर नहीं कर लगा सकते, इसको केवल फेस पे लगाया जाता है जहां पे ये लालपन चेहरा हो जाता है, जिसको रोजेसिया कहते हैं। तो रोजेसिया के ट्रीटमेंट का एक मेनली इस क्रीम जेल का यूज रोजेसिया में होता है। तो अब आपको बताता हूँ कि ब्रिमोनिडिन जेल एक अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट के रूप में कार्य करने के लिए जाना जाता है। और ब्रिमोनिडिन फेस पर लालिमा को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये एक जेल फेस पे लगाने के लिए बनी हुई है, इसको और कहीं नहीं लगा सकते हैं। अब आपको बताऊं कि ब्रिमोनिडिन जेल का यूज क्या है। तो ब्रिमोनिडिन जेल का यूज स्पेशली रोजेसिया में होता है। रोजेसिया का मतलब त्वचा का लाल होना। मुख्य रूप से ब्रिमोनिडिन जेल को फेस की लालिमा खत्म करने के लिए यूज किया जाता है और साथ साथ चेहरे के सूजन और पिंपल्स को भी ये ठीक करने का कार्य करता है। तो ये हुआ इसके यूजेस, ब्रिमोनिडिन जेल के यूजेस। अब आपको बताता हूँ कि इसके साइड इफेक्ट क्या हैं। तो ब्रिमोनिडिन जेल 0.33% के जो साइड इफेक्ट होते हैं उसमें सबसे पहला इरिथेमा आपको हो सकता है। इसका जो साइड इफेक्ट है वो इरिथेमा हो सकता है, मतलब त्वचा पर लाल लाल दाने हो सकते हैं, त्वचा का लाल होना, ये इरिथेमा होता है। और डर्मेटाइटिस हो सकता है, मतलब त्वचा का जल जाना, ये डर्मेटाइटिस हो सकता है। फ्लशिंग हो सकता है, मतलब फ्लशिंग का मतलब चेहरे पे, कान पे और गला पे और शरीर में गर्मी महसूस होना, ये प्रॉब्लम हो सकती है आपको ब्रिमोनिडिन जेल लगाने से। ये आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं बॉडी पे। अब आपको बताता हूँ कि ब्रिमोनिडिन जेल का साइड इफेक्ट क्या है, सॉरी साइड इफेक्ट नहीं, कंट्रा ड्रग इंटरेक्शन क्या है। अगर आप ब्रिमोनिडिन जेल का यूज कर रहे हैं आप अपने चेहरे पे, तो आप अपने चेहरे पे किसी भी तरह का एल्कोहल रहित कोई क्रीम, लोशन या कोई एस्ट्रिंजेंट का यूज नहीं करेंगे, कोई ट्रिंचर का यूज नहीं करेंगे और इसमें कोई पीलिंग एजेंट का यूज नहीं कर सकते, इसमें एब्रासिव्स का यूज नहीं कर सकते। मतलब अगर ब्रिमोनिडिन जेल का यूज आप अपने चेहरे पे कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आप नहीं करेंगे। किसी भी तरह का
साफ करने के लिए चेहरे को एस्ट्रिंजेंट का यूज नहीं करेंगे, कोई पीलिंग एजेंट का यूज नहीं करेंगे, ट्रिंक्चर का यूज नहीं करेंगे। तो ये हुआ ब्रिमोनिडीन जेल का ड्रग इंटरेक्शन, और ये हुई आपको पूरी जानकारी। आप देख रहे हैं मेडिकल यूट्यूब चैनल जीरोसिस लाइफ साइंसेस फार्मा दवा घर, और मैं डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। अगर आपको भी स्किन से संबंधित या किसी भी तरह के दवा के बारे में जानकारी चाहते हैं, किसी भी दवा के बारे में या किसी रोग के बारे में, स्किन से संबंधित कोई रोग के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे मेडिकल यूट्यूब चैनल जीरोसिस लाइफ साइंसेस फार्मा दवा घर के वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपका आंसर दूंगा। और ये जानकारी आप अपने तक मत रखिए, आप और लोगों को भी बताइए। हो सकता है कम खर्च में थोड़ा सा ये जितनी प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है आपके जानने वाले को स्टार्टिंग हो रही हो किसी रोग की, स्किन से संबंधित या दवा से संबंधित, तो आप उसकी मदद करिए, और हो सकता है कि वो समय से डॉक्टर के पास पहुंच जाए और उसका ट्रीटमेंट हो जाए। ऑलरेडी ब्रिमोनिडीन जेल जो होता है वो रोजेसिया में काम आता है। रोजेसिया कहने के लिए बहुत सामान्य रोग है, लेकिन बहुत ही खराब हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, धूप में निकलते ही चेहरा लाल हो सकता है। तो इसलिए इस क्रीम के बारे में, इस जेल के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल दिया, जानना और आपको बताने का प्रयास किया। तो आप भी अगर इस तरह के प्रॉब्लम में अगर आपको दिक्कत है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर देंगे, तो उससे फायदा ये है कि नई नई क्रीम के बारे में, नई नई दवा के बारे में जो मैं जानकारी देता हूँ, उससे आपको भी लाभ हो सकता है। आपको तो लाभ होगा ही, आपके जानने वाले और आपके आसपास रहने वालों को भी बहुत सारी जानकारियां हो सकती हैं, जिससे उसका रोग प्रारंभिक कंडीशन में ही ठीक हो सकता है। तो धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने की कृपा करिए। धन्यवाद। जय हिंद और गुड नाइट। नमस्कार, मैं जीरोसिस लाइफ साइंसेस फार्मा दवा घर से डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगा रोजेसिया के बारे में। रोजेसिया क्या होता है इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, इसके बारे में इसके सिम्टम्स बताऊंगा, कॉजेज बताऊंगा और इसका ट्रीटमेंट बताऊंगा, डोज बताऊंगा और इसके प्रिवेंशन के बारे में बताऊंगा। मतलब आप आज आपको बताऊंगा रोजेसिया का पूरा डिटेल, ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, सारी जानकारी आपको दूंगा। तो आप देख रहे हैं मेडिकल यूट्यूब चैनल जीरोसिस लाइफ साइंसेस फार्मा दवा घर, और मैं डॉक्टर उपेंद्रनाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। तो रोजेसिया एक लॉन्ग टर्म स्किन डिसीज है, जो कि स्किन और चेहरे पर लालिमा और इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेशन कर देता है। मतलब कहने का चेहरे पे पूरा चेहरा लाल गुलाबी रंग का चेहरा हो जाता है, गुलाबी लाल रंग का चेहरा हो जाता है, उस पे स्वेलिंग हो जाती है और रेड कलर के धब्बे भी हो जाते हैं किसी किसी को। तो ये है आपका रोजेसिया, और रोजेसिया डिसीज 30 साल से अधिक के आयु के लोगों को होने वाला स्किन डिसीज है। फेस पर मतलब चेहरे पे लालिमा के साथ साथ रेड स्पॉट बनते हैं की तरह दिखाई देते हैं, और ये 30 साल से के ऊपर के लोगों को होता है, और इसी को कहते हैं रोजेसिया। रोजेसिया एक स्किन डिसीज है जो कि बहुत प्रॉब्लम करता है, चेहरे पे लाल कर देता है, गुलाबी कर देता है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट जल्दी कराना चाहिए। तो अब आपको बताऊं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, मतलब लक्षण क्या हैं। तो इसके लक्षण, सबसे पहला लक्षण इसका है चेहरे का लाल होना, मतलब चेहरे का लाल होना, आंखों में जलन, आंखों में दर्द और स्किन पर छोटी रक्त वाहिनियों का दिखाई देना। रक्त वाहिनियों जो होती हैं, लंबी लंबी जो धारियां ब्लू कलर की होती हैं, उनका दिखाई देना ही इसका एक सिम्टम्स है, इसका एक लक्षण है। अब आपको बताता हूँ कि इसके कॉजेस क्या है, मतलब रोजेसिया के सिम्टम्स कॉजेस क्या है, कारण क्या है।
तो रोजेसिया को चेहरा लाल होना, इसको हिंदी में कहते हैं चेहरे का लाल हो जाना। और इसके जो कॉजेस हैं, कारण है, कारण में सबसे पहला है हेडिटी, जिसको हम आप कहते हैं अनुवांशिक, अनुवांशिकता के कारण रोजेसिया हो सकता है। एटमॉस्फियर के कारण भी रोजेसिया होता है। मेडिसिन का साइड इफेक्ट कोई होता है तो भी रोजेसिया हो सकता है। एल्कोहल का अधिक यूज करने से आपको रोजेसिया हो सकता है। और सनरेस मतलब सूर्य की रोशनी, सूर्य बहुत तगड़ा, सूरज की रोशनी पड़ने पे भी आपको रोजेसिया हो सकता है। और कॉफी, कैफीन ज्यादा पीने के कारण भी हो सकता है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का यूज ज्यादा करने से भी रोजेसिया हो सकता है। और वाइसो डायलेटर ड्रग का यूज करने से भी रोजेसिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये हुआ आपका रोजेसिया का कारण होने का। और ये अब आपको बताता हूँ इसका प्रिवेंशन, मतलब बचाव क्या है। तो रोजेसिया का बचाव, सबसे पहले धूप से बचे, धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन का यूज करें, और इसके बाद धूप में निकलें, ठंडे मौसम से बचे, और साफ सफाई पे अधिक ध्यान दें, और तनाव से बचे, ये इसके प्रिवेंशन हैं। और सुबह शाम अच्छे से चेहरे को, मुंह को साबुन से अच्छे से धुलिए। इसके बाद कोई मॉइस्चराइजर क्रीम का यूज करिए, इससे ये बचाव हो सकता है। अब आपको बताता हूँ इसका डोज। इसका डोज तो सबसे पहली बात यह है कि डोज मेंटेन करने के लिए फार्मेसिस्ट और डॉक्टर इसका डोज मेंटेन करते हैं, लेकिन डोज भी मेंटेन करने के लिए आपकी आयु, आपका वजन और रोग की क्या स्थिति है, आपके रोजेसिया कितना परसेंट हुआ है, क्या क्या दिक्कत हो रही है, उस पर डिपेंड करता है कि मेडिसिन आपकी कैसे चलेगी। इसलिए आपका डोज परफेक्ट बताना सबके बस की बात नहीं है। ये आप जब डॉक्टर के सामने जाएंगे तभी डॉक्टर बताएंगे कि आपको रोजेसिया कितना परसेंट है और इसमें कौन सी दवा कितने दिन कैसे खानी है, ये डॉक्टर सामने देखने के बाद बताएंगे। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप अपने से इस कोई भी दवा का यूज मत करिए जो मैं बताने चल रहा हूँ। जो भी दवा का यूज करना हो डॉक्टर को दिखाने के बाद करिए। तो ये हुआ डोज। अब आपको बताता हूँ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मतलब इसका उपचार, इलाज क्या है। तो सबसे पहला है कि इसमें अगर किसी को रोजेसिया की प्रॉब्लम हो रही है, तो रोजेसिया का प्रॉब्लम अगर होती है तो इसमें सब क्रीम चलाई जाती है, एजेलिक एसिड की क्रीम चलाई जाती है, क्रीम आइसोट्रेटिनाइन भी चलाई जाती है, और क्रीम इवरमेक्टिन जो कि एंटी माइस क्रीम होती है, 1% इवरमेक्टिन आती है, उस इसका यूज इसमें भी, क्योंकि एक्ने वल्गैरिस वगैरह में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि जो रोजेसिया है ये एक्ने वल्गैरिस के भी लक्षण इसमें दिखते हैं, मतलब मुहासे भी निकल सकते हैं, इसमें गुलाबी रंग के चेहरे पे छोटे छोटे दाने हो सकते हैं। तो इसमें क्रीम आपको प्रिमोनाइडीन टॉपिकल जेल 0.33% की जेल आता है, इसका बहुत अच्छा असर देखा गया है इस जेल का। इसमें लगाने से आपका रोजेसिया ठीक हो सकता है। और इसमें क्रीम चलाई जाती है, नेडिफ्लॉक्सासीन भी चलाई जाती है, इसमें कैप्सूल टेट्रासाइक्लिन चलाया जाता है, डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल चलते हैं, एंटी एलर्जिक टैबलेट, एंटी हिस्टामिन की टैबलेट लिबोसेट्रिजिन चलाई जाती है। इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स भी और चलाए जा सकते हैं, जैसे रोजेसिया में अगर एक्ने का लक्षण दिखता है तो इसमें आपको टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सीसाइक्लिन वगैरह भी चलाई जा सकती है। वो डिपेंड करेगा, डॉक्टर देखने के बाद तय करेंगे कि आपको कौन सी मेडिसिन चलाई जाए। तो ये हुआ पूरी जानकारी। और इसमें मेट्रोनिडाजोल क्रीम भी चलाई जाती है। तो आप देख रहे हैं मेडिकल यूट्यूब चैनल जेरोसिस लाइफ साइंसेस फार्मा दवाघर। इस चैनल पे दवा से संबंधित जानकारी दी जाती है। आपको भी अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो दवा से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के वीडियो पे के कमेंट्स बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरी जानकारी अगर आपको मिलेगी तो हो सकता है आपके द्वारा
किसी की छोटी मोटी समस्या साल्व हो जाए और डॉक्टर तक न जाना पड़े और वहीं साल्व हो जाए। तो धन्यवाद, और फिर एक बार यही कहूंगा कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने की कृपा करिए। धन्यवाद, जय हिंद, शुभ रात्रि।